देखो अब जो अगला पॉइंट आता है तुम्हारा वो क्या है, पहले इसको पढ़ो क्या लिखा है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज कैसी कैसी है, केमिकल फिजिकल। केमिकल तो हम चैप्टर वाइज देखते रहेंगे, मुझे इस पे काम करना है फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में अलग अलग बता नहीं सकता। जो क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो रिलेट करती होंगी अल्कोहल से, ठीक है, अल्कोहल वाली करती होगी आगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, मैं उन्हें कंपेयर करूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपने अरेंज वाले, अरेंज करो सबको मेल्टिंग पॉइंट के लिए, अरेंज करो सबको बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अब सबको के लिए तो मेरे को पहले सबको पढ़ना पड़ेगा ना, तो कुछ टर्म्स बोल रहा हूं मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो देखो और सोचो कि क्या है, आपने नाम सुने, पहले आपको टर्म पता होनी चाहिए, फिर वो टर्म किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ये पता होना चाहिए। एक एक करके टर्म सुनना, क्या लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और एसिडिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी, ये सारी बातें मुझे पढ़नी है, किसकी, हेलोएल्केन हेलोएरिन की, अल्कोहल की, ईथर की, एस्टर की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, अमाइंस की, ये चार चैप्टर तुम्हारे में आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सब को पढ़ूं कैसे, इन सब के लिए मुझे इलेवेंथ के कुछ पॉइंट चाहिए। एक, क्या मैं जानता हूं इसके बारे में, तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हाँ, क्या मैं जानता हूं इसके बारे में, देखो क्या लिख रहा हूं मैं, नाम सुना होगा आपने इलेवंथ में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी, और एक इंट्रा, मेरा आपसे पूछना है कि क्या ये चीजें आपको आती है, एक है पोलैरिटी, हाँ ये कोई चीज नहीं है ब्रांचिंग, इसको मैं बता दूंगा दो मिनट में समझ में आ जाएगी, क्या ये सारी बातें आपको पता है कि पोलैरिटी क्या होती है, ब्रांचिंग क्या होती है, इंटर या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मोलिकुलर मास तो शायद काफी हद तक पता ही होगा, है ना। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं ये प्रॉपर्टीज अगर हमें पता चल गई तो मैं बताऊंगा कि इंट्रा मोलिकुलर पे कैसे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है और कैसे काम करता है, ठीक है। पहले इस पेज पे देखो और मुझे बताओ क्या क्या चीजें आपको पता है। देखो अब ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, हम अब आपसे बात कर रहे हैं इन चीजों की, मॉलिक्यूलर मास, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पोलैरिटी या ब्रांचिंग कैसे दिखती है, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज आपको और एक्सप्लेन करवानी हो तो नेक्स्ट क्लास में करवा लेना, मैं अभी एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है, और ना समझ में आए तो टोक देना कि भैया जो नए वाले बच्चों को उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, पुराने में से किसी ने टोका तो ठोक दो, पढ़ ले। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, अब देखो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, CH3 का, C2H5 का, C3H7 का, अरे C3H7 का ज्यादा कार्बन है कोई बता देगा। अच्छा फ्लोरीन का मास ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है, ब्रोमीन का ज्यादा है या आयोडीन का ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है, कोई भी बता देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं कि मॉलिक्यूलर मास कैसे काम करता है, क्लियर। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखना बेटा क्या लिखा है मैंने, तब हम देखो क्या लिखिए, पोलैरिटी, आओ सबसे पहली बात पोलैरिटी कब काम करती है, जब कोवलेंट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चार बॉन्ड बनाने वाले कोवलेंट होते हैं, ये फजान ने कह दिया था हर चीज थोड़ी सी आयनिक थोड़ी सी कोवलेंट होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको और समझाने के लिए कुछ पॉइंट दे रहा हूं, एक बात सुन लो, इनऑर्गेनिक है इसके अंदर सारी चीजें पुख्ता नहीं होती, ऐसा नहीं है कि आप कसम खा लो कि यही होगा, नहीं, इसमें क्या क्या चीजें होंगी जरा उस पर ध्यान दो, ग्रुप कौन कौन से, ये जो 18 ग्रुप है ना, अभी के लिए आप मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेता देता नहीं है, पी ब्लॉक में ये इलेक्ट्रॉन लेगा भी देगा भी, ठीक है, 2, 3, 6, 8 तक इलेक्ट्रॉन देगा, वो बात की बात है, पहले भी ये समझो, ये कितने इलेक्ट्रॉन देता है, एक, ये कितने लेता है, एक, दोनों के दोनों अच्छे आयनिक है, कैसे हैं, दो इलेक्ट्रॉन देने में इसको समस्या होती है, इसको दो लेने में समस्या होती है, ये थोड़े से कमजोर आयनिक है तो अच्छे कोवलेंट हो जाएंगे थोड़े से उसके कंपैरिजन में, तीन इलेक्ट्रॉन देने में नहीं दे सकता, बड़ी दिक्कत आती है इसको, और इसको तीन लेने में बहुत दिक्कत आती है, ये तीन झेल नहीं सकता, वो तीन दे नहीं सकता, तो दोनों बहुत खराब आयनिक और बहुत अच्छे
कोवेलेंट है। क्या बात समझ में आई? ध्यान दे ले बेटा। अगली बार ये चश्मे पे होगा ये। अब जरा देखना, 1 2 3 4, 1 से लेके 4 तक कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज। कौन सा करेक्टर इंक्रीज? कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज। और यहां से यहां जाते वक्त कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज। अब मेरी बात सुनो, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? जहां पर इंक्रीज हो रहा था प्लस 4 वाला सबसे ज्यादा कोवेलेंट है, वो सबसे ज्यादा आयनिक है। आयनिक कम आयनिक कम आयनिक कम आयनिक कम आयनिक, बिल्कुल जीरो आयनिक। कोई तुमसे कहे कि यहां से यहां आते वक्त क्या हो रहा है, आयनिक करेक्टर कम हो रहा है, यहां से यहां आते वक्त कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ये बात पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब मैं आपको कुछ चीजें देता हूं, आप देखकर बताना हो क्या रहा है। अच्छा, नीचे जाते वक्त आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है, नीचे आता आयनिक करेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाता है। क्या आसान हो जाता है? लेकिन वो किसके लिए आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है? ग्रुप वन और टू के लिए। ग्रुप वन और टू के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना अच्छी बात है, ग्रुप 17 के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ना अच्छी बात नहीं, वो तो लेता है, तो उसके लिए कोवेलेंट आयनिक करेक्टर खराब हो जाता है। ग्रुप 16 और 17 के लिए नीचे जाते वक्त आयनिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। मेरी बात सुनो, कभी कोई तुमसे पूछे ग्रुप वन जो है उसका पहला एलिमेंट कैसा है? कोवेलेंट। दूसरा अच्छा आयनिक, तीसरा और अच्छा आयनिक, और नीचे वाला सबसे बढ़िया आयनिक। लेकिन 17 ग्रुप में सबसे पहले वाला सबसे अच्छा आयनिक है, वो लेना ही चाहता है, दूसरा वाला थोड़ा कमजोर और कमजोर और कमजोर, सबसे नीचे वाला नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी उसकी खानदानी ऐसा, उसका हेलोजन है लेने वाला, लेकिन लेना नहीं चाहता क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया, तो वो कोवेलेंट हो जाता है। तो नीचे जाते वक्त यहां पर कोवेलेंट करेक्टर आता है, यहां जाते वक्त आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है। ये बातें समझ में आई? ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख के। कोई तुमसे पूछे ग्रुप वन यानी कि लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, इनमें से सबसे अच्छा आयनिक कौन है? ये सबसे अच्छा कोवेलेंट कौन है? ये। और यहां पर कोई पूछे सबसे अच्छा आयनिक कौन है 17 ग्रुप में? ये सबसे अच्छा आयनिक है। और सबसे अच्छा कोवेलेंट कौन है? ये। तो इनका सबसे अच्छा आयनिक पेयर होगा। हाँ ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब ये तो बात हुई आयनिक की, ये किसने बोला? मैंने बोला है, फजान ने बोल रहा है। किसने बोला है? फजान ने कहा जितना मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उतना कोवेलेंट ज्यादा होगा। जितना मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है? 1 का 2 का 3 का 4 का, कोवेलेंट ज्यादा होगा। जितना मैग्नीट्यूड बड़ा उतना कोवेलेंट ज्यादा, जितना कैटायन का साइज बड़ा उतना आयनिक ज्यादा, जितना एनायन का साइज बड़ा उतना आयनिक कम। ये फजान के रूल है। क्या रूल है? फजान रूल। पकड़ गया, आगे चलो। ये थी पोलैरिटी की बात। पोलैरिटी दिखेगी कैसे? अब मैंने आपसे कहा ये जो दो है ना, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं? और दोनों के दोनों शांत है। कैसे हैं? शांत स्वभाव के, चार चार इलेक्ट्रॉन शेयर करके शांत बैठे। किस तरफ पोलर है? किसी भी तरफ पोलर नहीं है। क्या नॉन पोलर? जी बिल्कुल। क्या ये नॉन पोलर? कौन खींचेगा? कोई भी नहीं खींच रहा। अब देखना क्या ये पोलर है? बिल्कुल पोलर है, बेशक पोलर। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये क्या है? लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके तरफ पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक, अब देखना किस तरफ पोलैरिटी जाएगी। बराबर है। अब किस तरफ जाएगी? ठीक, अब किस तरफ जाएगी? बराबर है, लेकिन ओ का साइज छोटा है इसलिए ज्यादा नेगेटिव माना जाएगा। नेगेटिव के लिए जितना छोटा उतना अच्छा, पॉजिटिव के लिए जितना बड़ा उतना अच्छा, तो पोलैरिटी फिर इधर आ जाएगी। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अब तुम कहोगे ऑर्गेनिक में कहां से पोलैरिटी घुसेड़ रहे हो भैया, आओ। अगर मैंने कार्बन के साइड में एच रख दिया तो पोलैरिटी इधर रहेगी। अगर मैंने कार्बन के साइड में एक एन रख दिया तो पोलैरिटी इस तरफ जाएगी। कार्बन के साइड में ओ रख दिया तो, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब मैं कुछ फंक्शन ग्रुप्स लिख रहा हूं, देख कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है। क्या ये पोलर है? हाँ, मेरे को तो दिख रहा है। कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब के सब पोलर है। सब के सब कैसे हैं?
तो मैं अब पता कर सकता हूं कि जो ज्यादा पोलर होगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जो ज्यादा पोलर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो ज्यादा पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो ज्यादा पोलर होगा वो सॉल्युबल ज्यादा होगा, पानी में ज्यादा घुलेगा। हाँ कट जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, लो बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भैया ऐसा हो तो क्या पोलैरिटी कट जाएगी? हाँ, नॉन पोलर। और देता हूँ, और क्वेश्चन देता हूँ, इसके चीज पूछोगे तो बढ़िया रहेगा बेटा। सिंपल सी बात, ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, और ये वेक्टर है, कट जाएंगे। ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, उनका रिजल्टेंट यहां आ रहा है, ठीक है, और इसको इधर खींच रहे हैं, तो ये भी कट जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनके बीच का एंगल 120 बनता है, 120 के हिसाब से फॉर्मूला लगता है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मैं पी के लिए पी स्क्वायर लिख रहा हूं, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू जानते हो? माइनस हाफ, माइनस हाफ का टू लेके चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा? माइनस पी स्क्वायर। दो पी स्क्वायर में से एक पी स्क्वायर गया तो क्या बचा? पी स्क्वायर। तो ये भी पी और ये भी पी, तो कट नहीं जाएंगे क्या? ये थोड़ी सी फिजिक्स आ गई। आपको कहना है कि भैया दो डाइपोल यहां पड़े थे, एक डाइपोल यहां पड़ा था, इन दोनों डाइपोल का सम इसके बराबर था, तो ये नॉन पोलर हो गए। जरा इसको देखो, अब तू ही बताएगा, बता कौन ज्यादा नेगेटिव है। सिर्फ सब बच्चे संजीव की बात सुनो, बोल एन ज्यादा नेगेटिव है, शाबाश, और उसका पूरा रिजल्टेंट ऊपर जा रहा है, काट कौन रहा है इसको? ये तो पोलर है, ये तो। अब तुमसे पूछू H2O कैसा है? पोलर है। पोलैरिटी समझ में आई? कौन पोलर होते समझ में आए? और जो पोलर होते उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जो पोलर होते उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। अब बोल क्या पोलर पोलर समझ में आया? पोलैरिटी समझ में आ गई? अच्छा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड है, कौन ज्यादा पोलर है? बस जो ज्यादा पोलर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही तो पता लगाना था। अच्छा, अब कौन ज्यादा पोलर है? तो तुम कहोगे भैया ये दोनों ही पोलर है। अगर ऐसा हो कि पोलैरिटी मैच कर जाए तो अगला स्टेप पे पहुंच जाओ, किस पे? मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले देखना इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैंने अभी सिखाया नहीं है। पोलैरिटी समझ में आ गई सबको? कैसे देख सकते हो पोलैरिटी? अगर कोई यूं कहे कि भैया ऐसा आ गया था तो मैं क्या कह दूं, पोलैरिटी कट जाएंगी? जी नहीं, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। क्या बनाओगे? अब बोलो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब बोलो, लग रहा कट रही है? कट रही है। OH पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, ले भाई ले, ले, और ये दे रहे हैं, नेट तो यहां जा रहा है, कटा कहां? तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बन का ये स्ट्रक्चर नहीं होता, 90 डिग्री पे नहीं होते, 109 डिग्री पे होते हैं। इसीलिए याद करो मैंने आपको संडे वाली क्लास में स्ट्रक्चर्स कराए थे, ठीक है? काम बहुत सारा इकट्ठा हो रहा है, टेस्ट आ जाएगा, उससे पहले पहले तैयार करके रखो, ठीक है? बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो, ठीक। अब पोलैरिटी समझ में आ गई, मॉलिक्यूलर मास तो देखते समझ में आ जाता है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, मिथ का ज्यादा है, इथ का ज्यादा मॉलिक्यूलर मास? इथ का। अच्छा, अब कभी कभी आता है क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन एटम्स, कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल और कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन ज्यादा होगा? तो समझ जाना दोनों के पास चार चार कार्बन है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जिनपे नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो। क्या हो? हाँ, अब बात समझ में आई, ये कार्बन वाली बात समझ में आई। फिर उसके बाद अगर वो कहता कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है तो तुम साफ साफ कह दो मॉलिक्यूलर मास से बात करेंगे, हम बात ही मॉलिक्यूलर मास की करेंगे। एक के पास तीन, एक के पास पांच है मॉलिक्यूलर मास, जिसके पास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा? भाई भारी हो गया, वैन डर वाल फोर्स बढ़ गई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, बस ठीक। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या गैस लिक्विड बन जाती है? हाँ, और लिक्विड का मतलब क्या? लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि गैस का? समझ रहे हो ना, जो रूम टेम्परेचर भी गैस है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट तो कमी होगा ना, और जो रूम टेम्परेचर भी लिक्विड है इसका मतलब उसको बॉइल करना पड़ेगा। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करो, कर रहे हो? पोलैरिटी समझ में आई? अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैं उठाऊंगा नेक्स्ट क्लास।